गांव में भी शराबबंदी अभी नहीं रुकी है। सवाल है कि शराबबंदी का फैसला सही है या गलत? फैसला तो एकदम सही था, लेकिन इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं बिहार में। डीलर जहां से आ रही है पहले वो बंद ही नहीं हो पा रहा है। नमस्कार दोस्तों, रूबरू बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रसून झा। तो इस वक्त अभी हम बिहार के पटना, जो कि राजधानी है, उसके गांधी मैदान में हम उपस्थित हैं और आपके सामने एकदम ईमानदारी के साथ पब्लिक ओपिनियन लेकर आ रहे हैं। और हमारा आज का विषय है शराबबंदी को लेकर। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, सर आपका क्या नाम हुआ? अनुराग आनंद। अनुराग आनंद जी, तो हमें बताइए अनुराग जी कि शराबबंदी का फैसला जो सरकार ने लिया वो सही था या गलत? वो फैसला तो सर ने सही लिया, लेकिन ये यहाँ पे ढंग से चालू नहीं हुई है। यहाँ लोग पी रहे हैं, मिल रहा है, गली गली में मिल रहा है, खुद हमारे मोहल्ले में मिल रहा है, बेचने वाले काफ़ी हैं, डीलर हैं, प्लस पहुँचाने वाले अलग हैं। तो ऐसा है नहीं, अभी तक कोई पकड़ा भी नहीं जाता है। हमारे मोहल्ले से कितना बार कंप्लेन भी गया, लेकिन ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। लेकिन वो पैसा लेते हैं, छूट जाते हैं, कुछ दिन रहे, कुछ दिन के बाद फिर छूट गए। तो आप कह रहे फैसला सही है, लेकिन उसका जो इम्प्लीकेशन है वो गलत? वो गलत है जी, वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है इसमें। तो कहीं ना कहीं इसको आप सफलता इसको मानते हैं या फेल? नहीं, ये तो सर फेल ही हुआ ना। अगर जो बेच रहे हैं वो पकड़े, जो मेन डीलर जहाँ से आ रही है पहले वो बंद ही नहीं हो पा रहा है, तो वो तो फेल ही हुआ, तो जो पकड़ा ही नहीं रहे हैं सर। सर आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में शराबबंदी का फैसला कितना सही और कितना गलत है, अगर है तो गलत? ये बिल्कुल गलत है, खास करके शहरों में तो हो ही रही है और ये गांव में भी शराबबंदी अभी नहीं रुकी है, इसलिए कम से कम मेरा गांव तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये सब जगह है, शहर की तो बात अलग है। कहाँ से आते हैं आप? ऐसे तो मेरा घर जहानाबाद के गांव में है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? तो नहीं, बिल्कुल अभी सरकार इस पे पूर्ण रूपेण ध्यान नहीं दे रही है। धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने शराबबंदी का एक बहुत बड़ा टॉपिक लिया ताकि मेरा बिहार सफल रहे, लेकिन अभी भी वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं, इसलिए उनको पूर्ण रूपेण ध्यान देना चाहिए। खास करके गाँव पर तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मेरा गाँव बिल्कुल तबाह है इस चीज़ से जी। तो अब जाना, अब हम अपने इस बात को आगे ले जाते हुए आपसे जानेंगे सर कि आपको क्या लगता है, सेम सवाल है कि शराबबंदी का फैसला सही है या गलत? फैसला तो एकदम सही था, लेकिन इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं बिहार में। कि आपको ऐसा लगता है कभी नहीं हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, कुछ भी कर लें कभी नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों सर? इन्हीं के इर्द गिर्द सब बैठा हुआ है। अच्छा, वही करवा रहा है, उनको मालूम नहीं है, मुखिया वो है उनको पता नहीं है, सब कुछ जानते हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं बिहार वासियों को, जितना बेवकूफ़ बनाना है बना लो बस। तो ये फैसला आपको लगता है सरकार को कभी लेना ही नहीं चाहिए था? अभी तक हम तो यही कहेंगे कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, जो भी कानून बनाए तोड़ देना चाहिए, जो नियम तो होना चाहिए सही, जो वो सही है, जो नहीं है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। इनके ज़बरदस्ती से नहीं ना होगा, जो चाहेंगे सो हो जाएगा। पाँच गो को रोक सकते हैं, पाँच गो को रोकेंगे, दस गो को रोकेंगे, यहाँ कितने के तादाद में पीने वाला, एक दो है, रोक तो देगा सब है क्या? चाहेगा तब ना, इनका तंत्र ही फेल है। ये क्या है, इनका तंत्र ही फेल है। हाँ। एक ठो पकड़ता है, एक ठो मना करता है, एक ठो पकड़ता है, एक ठो मना करता है, तो वहाँ कहाँ से फेल मैंने सक्सेस होगा, वहाँ फेल्योर होना ही है। ये तो बहुत बनी कदम बहुत अच्छी थी, इसमें कहीं कोई दो मात नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं। तो आपके हिसाब से फेल हो चुका है शराब? 100% फेल है। ठीक है सर, आप कहाँ से आते हैं सर? मैं पटना सिटी से। पटना सिटी से राहुल कुमार नाम। राहुल कुमार जी, तो राहुल जी आपसे वही सेम सवाल है कि आपको क्या लगता है, आपके नज़र में शराबबंदी एक गलत फैसला साबित हुआ है या सही फैसला? गलत भी नहीं है ना ही सही भी है। जब अगर बंद करना था तो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए था, इसलिए क्योंकि देखिए पूर्ण रूप से बंद हो जाता तो यहाँ बिहार में दारू नहीं पीता, लेकिन अभी भी तादाद बेचने वाले को पीने वाले की कमी नहीं है। पूर्ण रूप से बंद हो जाए वही बेटर है। अच्छा, नहीं तो खोल देना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो आपका सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामजी महतो हुआ। कहाँ रहते, यहीं रहते क्या? हाँ जी, लंगट। शराबबंदी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, सही फैसला था या गलत? फैसला तो सही था, लेकिन इसमें नेताजी बेच रहे हैं और सिपाही बेचवा रहा है, किसी हालत में बंद ही नहीं होगा। जो
जो नेता एक नेता बेचवा रहा है, अगर सब कुछ छोटा छोटा पकड़ा रहा है, बड़का क्यों नहीं पकड़ा रहा है? इसलिए कि सब नेता ही है और सिपाही जी है कि उसको पैसा कमीशन मिलता है, तो इसलिए वो बंद ही नहीं होगा। बालू जब एक बार पहला बार बंद हुआ था तो एक ट्रैक्टर बालू नहीं, लेकिन अभी जो है से सिपाही बेचवा रहा है और नेता बेच रहा है। सर, इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है शराबबंदी को लेकर, कि बिहार में शराबबंदी को आप कितना सफल मानते हैं, और या अगर गलत मानते हैं तो कितना गलत मानते हैं? देखिए, शराबबंदी जो है एक अच्छी चीज़ है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लेकिन जिस तरह उसको धरातल पे होना चाहिए वो अभी है नहीं, ठीक है ना। मतलब शराब तो बंद है बेसिकली, लेकिन पब्लिक के पास तो मुहैया हो ही जाता है, जिसको लेना है वो तो कहीं से एडजस्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो अगर है तो जैसे गवर्नमेंट इसको बंद किया है तो उसको प्रॉपर तरीके से बैंड लगाए, प्रॉपर उसका व्यवस्था अच्छे से करे, ठीक है ना। लेकिन शराबबंदी है तो अच्छी, हम उसको सपोर्ट में है कि शराब बंद हुआ है, उससे क्राइम रिपोर्ट हमारा नीचे आएगा, क्राइम डाउन होगा, और एक अच्छी चीज़ है शराबबंदी। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि शराबबंदी से किसको ज़्यादा नुकसान हुआ और फ़ायदा किसको हुआ है? फ़ायदा तो बंदी से सभी को है। ओके जी, अब नुकसान पीने वाले बताएंगे कि उनको नुकसान है कि क्या है, लेकिन फ़ायदा सबको है। तो मतलब ये शराबबंदी ज़मीनी स्तर पर लागू हो पाई है आपके हिसाब से? लेकिन बुरा तरह तो अभी नहीं लागू हो पाई है, मतलब कहीं ना कहीं मिल रहा है ऐसा। मतलब कारण क्या है सर, कहाँ ढिलाई हो रही है? तो ढिलाई सर कहाँ होगी, अब प्रशासन इसका पीछे होगा। आप प्रशासन को जिम्मेदार दूसरा किसको जिम्मेदार? ठीक है सर, आप कहाँ से और आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ पप्पू आलम। अच्छा, ईस्ट चंपारण मोतिहारी। अच्छा, पूर्वी चंपारण से जी। अच्छा सर, तो आप बताइएगा, आपके लिए भी सेम सवाल है कि शराबबंदी को लेकर किसको फ़ायदा हुआ है और नुकसान किसको हुआ है? देखिए, शराबबंदी को लेकर के ऑलरेडी फ़ायदा तो लेडीज को हुआ है, और जो लोग भी शराब मैंने छोड़ करके उससे जो अलग उभरे हैं तो उसमें जो पैसा बचता है या जो भी माइंड लोग लगाता है तो बच्चों के लिए लगाता है। इसमें बच्चों के डेवलप और हमारे कंट्री मैंने हमारे बिहार के डेवलपमेंट में ये काम करती है, ये सही बात है। लेकिन शराबबंदी जो है वो है नहीं, सिर्फ इसका मोहर है यहाँ पर, और इसका जिम्मेदार जो है लोकल प्रशासन है। तो धरातल स्तर पे आप इसको नहीं मानते? नहीं है, इसलिए कि लोकल प्रशासन इसलिए है कि शराब जब बिक रहा है और पुलिस चलती है छापा मारने, नहीं तो उनको पता कैसे चलता है? कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में लिखे जाए, और कुछ हर पुलिस स्टेशन में एक से दो तो पीने वाले स्टाफ हैं ही। अगर गवर्नमेंट अगर इसको रोकना चाहे तो अपने ही पुलिस वालों का टेस्ट क्यों नहीं करवा लेती है और उस पर एक्शन लें, बजाय गरीब लोगों को जेल भेजने से। दो चार सस्पेंड होंगे तो ना वो सोचेंगे कि जब हम सस्पेंड हो रहे हैं तो इनको भी रोकें। तो शराबबंदी को आप फेल मानते हैं, फेलियर मानते हैं ना? बिल्कुल फेल है। सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है आपका? देखिए, इसके पीछे जो जिम्मेदार है गवर्नमेंट है। जब गवर्नमेंट की अपनी गाड़ी गुम हो जाती है तो 24 घंटे में ढूंढ निकालती है, और आपकी गाड़ी गुम हो जाए तो कितने देर में निकालेगी पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए इसका जो है जिम्मेदार डिफेंस वाले हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री है। अगर वो कह दे कि आपके इलाके में शराब बिक रहा है और जिसके इलाके में बिकेगा उसको 6 महीना सस्पेंड किया जाएगा और इसको धरातल पर उतार दे, तो किसी का औकात है पीने के लिए? किसी का औकात है लाने के लिए? नहीं ला सकती है। और शराबबंदी अगर हो जाती है तो हमारे यहाँ एजुकेशन, डिसिप्लिन, कैसे चलना, कैसे बोलना, बच्चे बाहर जाते हैं तो कोई हमको बिहारी करके लथाड़ेगा भी नहीं, उसके पास एजुकेशन रहेगा तो बोलने का तरीका होगा, और जब बोलने का तरीका होगा तो उनको भी पता चलेगा हाँ बिहार से कोई है। अगर माना जाए तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा IAS, IPS, डायरेक्टर सब तो बिहारी है, लेकिन हमारे मतलब जो नॉन एजुकेटेड सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं यही लोग बाहर जाते हैं। इनके मिसबिहेव से हमारा IAS IPS वो छुप जाता है और इनका जो है ऊपर आ जाता है, बस यही चीज़ है। ठीक है, तो अब और भी आगे बढ़ते हैं। तो सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सद्दाम पड़ेगा। कहाँ से आते हैं आप? मोतिहारी से। तो आपके लिए प्रश्न है सर कि शराबबंदी, पहले तो आप ये बताइए कि आपके हिसाब से ये फैसला जो है गलत था या सही है? नहीं, ये जो भी सरकार लिया फैसला एकदम उचित तरीका से सही है। हाँ। ठीक ना, लागू करने में सफल हुई है सरकार? नहीं नहीं, सफल नहीं है, लागू करने में सफल नहीं है। असफल क्यों? क्यों नहीं हुई है? इसलिए नहीं हुई है कि अभी जहाँ खोजिए वहाँ पर अभी शराब उपलब्ध है। ठीक ना, हाँ, रूरल एरिया में जाइए या अर्बन एरिया में जाइए, ठीक ना, सब जगह उपलब्ध है।
अब जब भी चाहिए वहाँ मिलेगी। बस यही है कि उसमें सरकार को हमको देखने से मन है, व्यू पॉइंट कि सरकार को उसमें प्रॉफिट है, इसलिए कि जो मान लें कि शराब हमको मिलती थी 20 रुपये में फॉर एग्जाम्पल, वो शराब हमको 100 रुपये मिलती है। कहीं ना कहीं आक्रोशित भी है और इस फैसले को पूरी तरीके से गलत बता रहे हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर इसको लागू नहीं किया गया और इसमें जनता से लेकर पुलिस को भी इसमें उतना ही ज़्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है कि शराब बंदी यहां लागू नहीं हो पाया है। तो रूबरू बिहार इसी तरीके से आपके सामने हर एक प्रश्न लेकर जनता के बीच जाएगी और उनका उस प्रश्न से क्या उत्तर निकलता है ये आप तक पहुँचाएगी, तो बने रहिएगा।